ये आईफोन मेरे पास ऐसे ही पड़ा है, इसमें सिर्फ हम आईडी भूल गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गाइस, आज हम अपने रूम की टूर करेंगे और जो सामान हम यूज करते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, और मेरे रूम में क्या क्या रखा है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं। हम जहाँ सोते हैं वहाँ पे मेरे टेबल पे ना वायर है, चार्जर है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो गाइस, हम रूम में पहुँच गए हैं और ये देखिए, यहाँ ये मेरा बिस्तर है, हम जहाँ सोते हैं। और फिलहाल ये देखिए टेबल है, हम यहाँ, ये मेरा बोर्ड है और ये मेरा चार्जर है। तो हम यहाँ रात में लगा के ना सो जाते हैं। और ये मेरी नोट्स हैं, बुकें हैं, किताब है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये देखिए, ये मेरा ट्रिमर है जिसको हम ना इसको चार्ज में लगा के एक दिन दो दिन पे हम अपना दाढ़ी शेव करते हैं। और ये मेरा ये पावर बैंक है। और ये देखिए, ये डेटा केबल है। और ये जो मेरा आईफोन का जो था ना वो है, और हम इसमें नई कवर लगाए हैं। और ये देखिए गाइस, ये आईफोन मेरे पास ऐसे ही पड़ा है, इसमें सिर्फ हम आईडी भूल गए हैं और मुझे आईडी नहीं पता है। भैया दिए थे, वो अपनी आईडी से बना के हमको दिए थे, तो आईडी उनको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता है। तो गाइस, ये मोबाइल ऐसे ही पड़ा है, अगर इसमें आईडी होता ना तो मोबाइल हम चलाते। फिलहाल आईडी ही नहीं है तो ये मोबाइल किस काम का है। गाइस, ये मेरे आँख का है, आई ड्रॉप है, क्योंकि मेरे आँख में ना कुछ प्रॉब्लम है तो हम इसको डालते रहते हैं। और ये देखिए, इसमें कितना चार्जर है, ये काफ़ी पुराना है, तो नीचे रखा था तो हम यहाँ उठा लाए कि कब ज़रूरत पड़े ना पड़े, तो इसको हम यहाँ रखे हैं। और गाइस, इससे ना अपना हम बाल सुखाते हैं, इसको ऐसे चालू कर, यहाँ से बंद है तो फिलहाल हम यहाँ से ऑन करते हैं और इसको देखिए चालू हो गया है। इसको हम बंद कर देते हैं। और ये देखिए, ये हमने ब्लूटूथ वाला ये माइक लिया है, फिलहाल ये भी हम रखे यहाँ। और यहाँ पे ये देखिए, हमने मेरे पैंट में जो सिक्का रहता है तो हम यहाँ रख देते हैं। और ये देखिए, काफ़ी यहाँ पे सिक्के पड़े हैं तो इसको हम यही छोड़ देते हैं। और फिलहाल ये नोट्स हैं, काफ़ी यहाँ बुकें रखी हुई हैं, इस बैग में भी बुक है। और चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ऊपर वो कफ है, और वो फैन रखा हुआ है, यहाँ ये मच्छरदानी है, ये जो ट्रायंगल साइज में, ये जो सर्किल वाला जो होता है वो वाला है, एंगल वाला। और फिलहाल ये देखिए, यहाँ मेरा कपड़ा रखा हुआ है, इस बैग में ना हम पैक किए हुए हैं ये कपड़े, इसको हमने ढका हुआ है। ये देखिए, इस बैग में हम अपने कपड़े रखे हुए हैं तो इसको हम ऐसे ही कर देते हैं। फिलहाल एक फ़ैन रखा हुआ है जो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, एक फ़ैन ये भी है, तो अगर बाय द वे कभी लाइट कट जाती है तो इन्वर्टर से कभी चला लेते हैं, नहीं तो ऐसे पड़ा रहता है। और गाँव में आप जानते हैं कभी लाइट रहती है नहीं रहती है, और इन्वर्टर भी बैठ जाता है तो वैसे गर्मी में ही रहना पड़ता है या तो छत पर जाना पड़ता है सोने। तो ये वाला फिलहाल देखिए, ये है हम, ये जो है ना ये बिस्तर है, और फिलहाल हम यहीं सोते हैं। और अब चलते हैं हम इस वाले में, इसमें ना डबल रूम है, जैसे कि इसमें ज्वाइन किया गया है, ये जो दरवाज़ा है इसी रूम का है। और फिलहाल देखिए, यहाँ काम के ना यहाँ पे टाइल्स पड़ा हुआ है, ये काफ़ी पुराना हो गया है, जब वाशरूम में लग रहा था तो ज़्यादा एक्स्ट्रा आया था तो यहीं रखा है। और फिलहाल ये देखिए, अचार रखा हुआ है, मम्मी ने अचार रखा है, ये मिर्च का है, और इसमें काफ़ी कई तरह के अचार पड़े हैं गाइस, इसको हम आपको दिखाते हैं। ये किस चीज़ का है गाइस, ये भी बड़ा मिर्च वाला अचार है। और ये देखते हैं, वो काफ़ी वजन है, ये खटाई आम का अचार है, और इसको देखते हैं, ये भी गाइस ये सूखा वाला आम का अचार है। तो फिलहाल हम ये सब रख दिए हैं यहाँ पे। और ऊपर देखते हैं, यहाँ कुछ सामानें रखी हुई हैं, बाल्टी है, ये भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। और नीचे देखते हैं, नीचे भी सामान से ना गाइस भरा पड़ा है। और ये देखिए, ये फैन का ये कार्टून है जो वैसे ही रखा है, यहाँ ये सोफा सेट वैसे ही रखा है, इस पर कुछ सामान रखी हुई है। और फिलहाल ये देखिए, यहाँ पर भी सब सामान रखा हुआ है, रस्सी बांध के, और इस पे देखिएगा इस कितने कपड़े रखे हुए हैं।
और ये देखिए मेरा कपड़ा यहाँ रहता है, और इसमें पापा का भी कपड़ा है और मेरा भी है, और देखिए एक बक्सा भी इसमें रखा हुआ है, क्योंकि इसमें भी काफी ना, इसमें ये देखिए तासा रखा हुआ है, और इसमें ये क्या है, ये गाइस इसमें ना डेग रखा हुआ है, जब खाना बनाने की आवश्यकता होती है ज्यादा लोगों की तो उसी डेग में खाना बनता है। और ये देखिए अलिया आशिफ के लिए सब लिया गया था तो वैसे ही पड़ा है, ये चावल है, और ये मेरे जूते वूते ऐसे ही सब पड़े हैं तो इसको धुलना पड़ेगा। तो गाइस आज हम अपने रूम की आपको टूर करा दिए हैं। सो गाइस ये है मेरे रूम के जो मेरे पास सामान है, वो सामान हम यूज करते हैं, जो इस रूम में सामान रखा है वो हम आपको सारी चीज़ें दिखा दिए। गाइस हम डिनर कर लिए हैं और रात के 9:35 हो रहे हैं। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।